अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आईसीए केमिस्ट्री पोर्शन स्टोइकोमेट्री का सेकंड पार्ट आ गया है, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज 15 से 28 तक कराऊंगी। सो 15 नंबर, यूरिया इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इफ 2 मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर, देन द मास ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। सो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ यूरिया जो है इसमें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यूरिया नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है, यहाँ पर 2 एटम्स है। तो 1 एटम का मास जो है वो 14 ग्राम होता है और 2 का जो है 28 ग्राम होता है। सो 1 मोल ऑफ यूरिया में हमारे पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है और हमें 2 मोल्स दिया गया है। तो 2 मोल्स ऑफ यूरिया जो है 28 मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे हम आंसर जो है 56 ग्राम। सो यूरिया हमारे पास, यूरिया जो 2 मोल्स ऑफ यूरिया है उसमें 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 16 नंबर, 8 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन। ऑप्शन ए में है 4 हाइड्रोजन एटम्स, 0.5 बी जो है 0.5 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सो ऑप्शन ए जो है वो है 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो 8 ग्राम ऑफ मीथेन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, 16 ग्राम्स, वी नो दैट 16 ग्राम ऑफ मीथेन में हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि इक्वल है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स के, ओके। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। सो इसे देखते हैं, 16 ग्राम्स हमें पता है ना, 1 मोल ऑफ मीथेन जो है वो 16 ग्राम्स होता है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन में हमारे पास कितने 1 मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो 8 ग्राम में कितने होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो उससे हमारे पास 1/2 इज इक्वल 2.5 मोल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन सी, 6.023 मल्टीप्लाई 10^23 कार्बन एटम। सो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 16 ग्राम अगर होता तो तब ये ऑप्शन सी सही होता। 16 ग्राम में हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10^23 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डी जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10^23, ये हमारे पास 8 ग्राम ऑफ मीथेन में नहीं होते, ये 16 ग्राम ऑफ मीथेन में होते हैं, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। 17 नंबर, अ बीकर कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर इन इट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी। नंबर ऑफ मोल्स हमसे रिक्वायर है, तो देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर में H2O में हमारे पास कितने ऑक्सीजन होते हैं, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, सॉरी हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, 23.5 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन एज मच एटम एज इन। सो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मीन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए एंड मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी। सो अब इसमें देखिए कि 23 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है, 23 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे जो ऑप्शन के साथ सही आएंगे, 23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर अगर मास इन ग्राम देखें तो सेम है दोनों का। मोलिकुलर मास जब हम देखें तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 2 ऑक्सीजन का 32 है, नाइट्रोजन का 28 है, तो ये सेम नहीं आएगा, ठीक है। और दोनों नंबर ऑफ एटम, एटोमिसिटी सेम है लेकिन मोलिकुलर मास डिफरेंट है। ऑप्शन बी को अगर आप देखें तो मास इन ग्राम भी सेम है, मोलिकुलर मास देखें कार्बन का कितना, कार्बन 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम विच इज इक्वल टू 28 ग्राम। सो मोलिकुलर मास भी दोनों का सेम ही है, नाइट्रोजन का और कार्बन मोनोक्साइड का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एन ए तो सबके लिए सेम ही होता है, एटोमिसिटी देखें, एटोमिसिटी भी दोनों के लिए सेम है, तो इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हाइड्रोजन का अगर मोलिकुलर मास देखें तो इसका 2 आता है, क्लोरीन का जो मोलिकुलर मास है तो 35.5
प्लस 35.5, तो इससे जो आंसर आता है तो वो इससे डिफरेंट है, ठीक है ना, जैसे कि 71 ग्राम से आता है। सो यहाँ जो ट्रिक है वो मोलिक्यूलर मास का है, मोलिक्यूलर मास डिफरेंट है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, ठीक है। सो नेक्स्ट 19 नंबर एमसीक्यूज, अ सिंपल कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अमंग द फॉलोइंग। सो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मीन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए एंड मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। सो इसमें हमसे रिक्वायर है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस कौन से वाले में है, तो देखें ए ऑप्शन 6 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। अगर हम 6 ग्राम ऑफ हीलियम देखें तो देखें मास इन ग्राम कितना है, 6, हीलियम का कितना मॉलिक्यूलर मास है, 4, मल्टीप्लाई बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, सो 1। तो इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आता है, इट्स 3 डिवाइडेड बाई 2 एटम्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम ऑप्शन ए हो गया या ऑप्शन बी, नेक्स्ट देखें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मास इन ग्राम 28 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास भी 28 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का हमारे पास 28 होगा। सॉरी यहाँ पर एन ए एटम्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है चलिए एन ए, तो एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन क्या है, एन तो 2, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर 2 Na एटम्स, ठीक है। ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो मास इन ग्राम हमें 4 दिया गया है, हाइड्रोजन H2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। एटोमिसिटी इसकी 2 है, सो इससे क्या आएगा हमारे पास 2 1 2 2 2 4, तो ये वाले 2 और ये वाले 2 मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 Na एटम्स, ठीक है। फोर्थ नंबर डी ऑप्शन, डी में हमें दिया गया है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो मास इन ग्राम 48 दिया गया है, डिवाइडेड बाय O2 का जो है 32 है, मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 1 2 एंड 2 1 2 2 6 12, ओके यहाँ पर 2 8 16 एंड 2 2 4 2 4 8, सो इससे क्या आंसर आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 8 Na। इसकी फर्दर कटिंग करें, 8 1 8 8 2 16 8 3 24, सो 3 Na एटम्स। तो आप लोग खुद बताएं मैक्सिमम कौन सा आता है, एक 3 Na है, एक 4 है, एक 3/2, सो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 4, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सो 20 नंबर, इफ अ पीस ऑफ 4 मोल ऑफ लिथियम, क्या है 4 मोल्स ऑफ लिथियम इज ड्रॉप्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, सो 72 ग्राम ऑफ वाटर जो है हमारे पास 4 मोल्स ऑफ H2O बनाता है, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल 18, लेट्स सी चेक करते हैं, 18 4 8 32 4 4 5 6 7 72 ग्राम बनता है, हाँ बिल्कुल। सो इफ 4 मोल्स ऑफ लिथियम इज ड्रॉप्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, देन तब हमारे पास क्या बनता है, लेट्स सी हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस 2H2 बनता है। सो लिथियम हमारे पास कितना है, 4 है, तो यहाँ मैं 4 लगा देती हूँ, यहाँ देखें OH जो है ओ भी 4 है और इस साइड पर भी O4 है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, ठीक है ना, तो 4 और 2 2 4 तो 8, तो बैलेंस स्कीम का इक्वेशन हो गया। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ, 2 मोल्स ऑफ लिथियम इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, नो इट्स अ बैलेंस स्कीम का इक्वेशन, तो इसमें कोई भी चीज अनरिएक्टेड नहीं रहेगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट 21st, इफ सल्फर इज इन एक्सेस देन द प्रोडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ फेरस सल्फाइड रिक्वायर्स,
सो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सल्फर इज इन एक्सेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फर एक्सेस में है और दूसरा जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा. सो प्रोडक्ट जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर बनता है. सो कहा गया है देन द प्रोडक्शन ऑफ टू मोल्स ऑफ सल्फर सल्फाइड रिक्वायर्ड. सो इसका फॉर्मूला हमारे पास एफ ई रिएक्शन है, एफ ई एस प्लस एस, तो एफ ई एस बनता है, ठीक है ना. तो इसमें हमसे मांगा गया है कि टू मोल्स ऑफ फेरस सल्फाइड, अगर हम फेरस सल्फाइड को हमारे पास टू मोल्स प्रोड्यूस हो तो हमारे पास फिर आयरन कितना होगा. तो आयरन भी जो है आयरन टू मोल्स रिक्वायर होगा, ठीक है ना. आयरन भी टू मोल्स और सल्फर जो है सल्फर तो हमारे पास एक्सेस में है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो हमारे पास टू मोल्स ऑफ आयरन कितना है, 112 ग्राम, ठीक है. वन मोल जो है वन मोल ऑफ आयरन 56 ग्राम है, टू मोल्स जो है वो 56 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 112 ग्राम, मींस 112 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डीडीटी इज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड. डीडीटी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है. इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 354.5 ग्राम्स पर मोल. व्हेन डीडीटी इज एनालाइज्ड बाय द केमिस्ट, he found that it contained 47.4% carbon. So how many carbon atoms are there in each DDT molecule? So हमारे पास number of carbon atom है. इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को percentage composition का formula लिखवाया था. यहाँ percentage composition is equal to atomic mass of element, okay? Element जिसका आपने percentage composition लिखाया है, multiply by total atoms, यानी उस atom में जितने जितने नंबर ऑफ एटम्स हो. फॉर एग्जांपल किसी नहीं मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल H2O हुआ तो उसमें टू वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम में वो जो वही नंबर लिखना है कि कितनी दफ़ा वो आया है, ठीक है. और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आपने लिखना है, नीचे वाला कंपाउंड का है और ऊपर वाला जो एलिमेंट है जिसका आपने फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है. तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें रीअरेंजमेंट आपने करनी है, मॉलिक्यूलर मास को इस साइड पर लाना है और 100% और एटॉमिक मास जो है आपने डिवीजन में लाना है, ठीक है. तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रह जाएगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, ठीक है. इसमें अगर हम पुटिंग करेंगे तो 47.4 मल्टीप्लाई 354.5 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय. सो हमें किस चीज़ का फंड किस चीज़ का रिक्वायर है नंबर ऑफ एटम, हाउ मेनी कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है. तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 14 आता है, ठीक है. इससे आप कैलकुलेट कर लें, आई मीन कैलकुलेट मत करें, कैलकुलेटर यूज ना करें, ऐसे ही आप लोग खुद कर लें, ठीक है, कैलकुलेट कर लें. 23 नंबर, 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू. सो आपको पता है मोल्स के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, मोल्स के लिए हम 1 ग्राम एटम्स भी यूज करते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी इसका नेम होता है, ठीक है ना. तो 1 ग्राम एटम जो है ये टर्म है, 1 ग्राम एटम यूज फॉर मोल, ओके. सो 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, ठीक है. और बी में जो है हमारे पास 71 ग्राम है, 71 ग्राम हम एटम के लिए यूज नहीं कर सकते, 71 ग्राम हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना. अगर मॉलिक्यूल होता तब हम कहते कि 71 ग्राम, यहाँ एटम है तो यहाँ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, मींस सिंगल एटम की बात कर रहे हैं क्लोरीन का. नेक्स्ट जो है हमारे पास सी 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम. सो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम इसलिए नहीं है क्योंकि 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम में हमारे पास 35.5 ग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन एटम. और डी जो है ए बी सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो ये भी क्रॉस है, ठीक है. 24 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट. सो क्वांटिटेटिव वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं. ऑप्शन ए है दिस और कंटेन कॉपर, कंटेन कॉपर ये नहीं पता है कितना कॉपर है, सिर्फ कहा है कि कॉपर है, तो ये क्रॉस है. डेट नंबर बी जो है द ई डी टी ए सोल्यूशन इज 0.1 मोलर, सो ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ हमें बताया है कि कितना मोलर है, कितना यानी मेजरमेंट की है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है. लेट स्टार्ट सी जो है, लेट स्टार्ट इन एक्वस सोल्यूशन फर्स्ट. सो एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है लेकिन ये नहीं बताया कि कितना है. नंबर डी इट्स सॉल्ट, इट मस्ट बी सिट्रिक एसिड. सॉल्ट मीन क्वालिटी बताई गई है, क्वांटिटी नहीं. 25 जो है, इफ थियोरेटिकल एंड परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट आर 50 ग्राम एंड 90 ग्राम रिस्पेक्टिवली देन एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी. सो
हमें थ्रेड का गेट 50 ग्राम दिया गया है, परसेंट यील्ड 90 ग्राम दिया गया है, सो क्या फाइंड करना है एक्चुअल यील्ड। हमें पता है ना कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमें सिंपली फॉर्मूला में अरेंज पेंट कर ले, ठीक है ना, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड को उधर मल्टीप्लीकेशन में ले आए और परसेंटेज जो 100% है उसको डिविजन में ले आए, यानी परसेंट यील्ड मल्टीप्लाई बाई थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाई 100%, ठीक है ना। तो इससे इसके इसमें जो वैल्यूज पुट करें तो परसेंट यील्ड कौन सा है 90 ग्राम, इसको थ्योरेटिकल यील्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 50 ग्राम है, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ठीक है, ये वाले जीरो इसके साथ क्रॉस हो जाएगी इसके साथ, तो 59 था हमारे पास 45 आता है, ठीक है, 45 ग्राम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास 26 नंबर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सो कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे अगर हम 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए बैलेंस स्कीम की इक्वेशन क्या है, एस प्लस ओ टू, ठीक है, ये है ना। सो आप देखें हमें पता है ना कि अगर हम सल्फर 32 होता है ना, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, देखिए ऑक्सीजन एक्सेस में ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। आपको पता है ना कि जब प्रोडक्ट जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना बनेगा। सो सल्फर एक्सेस में इट मीन्स ऑक्सीजन एक्सेस में, तो इट मीन्स सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सो 32 ग्राम्स हमारे पास कितना प्रोड्यूस करता है, 22.4 dm³, ठीक है ना, और हमें ये भी पता है कि 22.4 dm³ इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। सो 1.6 ग्राम हमारे पास कितना प्रोड्यूस करेगा, x, सो x इज इक्वल टू आप लोग 22.4 लीटर को लें, उसको 32 पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 1.6 पर, ठीक है ना, 1.6 ग्राम पर उसको मल्टीप्लाई करें, तो उससे आंसर आएगा 1.12 लीटर, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। 27 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर मोल, मोल के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इट्स अकाउंटिंग यूनिट या इट्स करेक्ट, इट इज द ग्राम एटॉमिक और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, ये भी सही है, ग्राम इट इज ग्राम एटॉमिक ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, तो ये करेक्ट है, इट इज द कंटेंट पार्टिकल्स, ये भी मोल के लिए सही है। so, हमसे क्या हमें क्या रिक्वायर है, नोट नोट करेक्ट, तो इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, सो ये ऑप्शन इसमें आएगा, ये मोल के लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि मोल में सेम एटम्स होते हैं, सेम पार्टिकल्स होते हैं, जो कि 6.023 × 10³³ सेम पार्टिकल होते हैं, ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन इसमें सही आता है, लेकिन मोल के लिए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो 28 है, हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो देखिए हमारे पास जो 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितना कैल्शियम कितना होता है, उसमें 40 होता है ना, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक है ना, हमसे क्या हमें क्या रिक्वायर है कि 0.1 ग्राम में ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम होगा, ठीक है ना, तो आप सिंपली 40 को लें, उसको डिवाइड करें 100 पर और मल्टीप्लाई करें उसको 0.1 ग्राम पर, ठीक है, यानी ये 100 ग्राम हो गया, ये 100 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम, सो इससे क्या आंसर आएगा, ये वाला इसके साथ क्रॉस हो गया, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ठीक है। अब देखिए ये 10 जो है, स्टैंड को अगर मैं ऊपर ले आऊँ, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई, इस तरह लिख सकती हूँ ना, 10⁻¹, ठीक है, इस तरह अगर इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, 4 वन सा 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स कौन करें, 1, 2, सो यहाँ 0 लगाए, देखिए पॉइंट के बाद 1, 2, 0.01, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रिक्वायर था, हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ CaCO3, तो ठीक है इतना कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और हाँ अगर आपको ये कैलकुलेशन अगर मुश्किल है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ 0.1 ग्राम है, 0.1 ग्राम को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना इस पर, ठीक है, सो 0.1 ग्राम, अब देखिए 40 को, यहाँ पॉइंट होता है ना,
हम कहते हैं कि हर एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, लेकिन हम नहीं लिखते। तो अगर ये 100 को देखें, पॉइंट यहाँ लाए गए हैं, तो 1, 2, 3। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मूव आउट करूँ तो इससे ये बनता है ना, ठीक है। तो देखें यहाँ 40 है, 40 के बाद यहाँ पॉइंट होता है, 40 को मैंने कितना मूव किया, 3 इधर मूव किया, 1, 2, 3। तो इससे 3 ये वाला डिजिट बन गया, ठीक है, ये वाला नंबर उससे बन गया। तो 40 के बाद इधर पॉइंट है अगर 1, 2, 3, तो पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँगी और यहाँ जो लूप रहेगा ना उसमें आप 0 पुट कर दें, तो आपके पास कौन सा आंसर आ गया, 0.04, ठीक है। आई होप ये इजी होगा, आप लोगों को पसंद भी आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। ICA का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टोइकोमेट्री मीन केमिस्ट्री पोर्शन में, वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग मेरे चैनल ETEA बॉक्स को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को, और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर करें। हाँ, कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अप्रिशिएट एंड कमेंट करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।